हेलो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं आज हमारे पास सैमसंग A23 एक हैंडसेट आया है जिसमें लाइट और ग्राफिक इश्यू है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अभी चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कोई लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पीसीबी को रिमूव करना है बोर्ड में से। सबसे पहले पीसीबी को रिमूव करेंगे फोल्डर में से और उसके बाद हम कूल टेस्टिंग करेंगे। और कूल टेस्टिंग में आपको एनोड कैथोड की लाइनें चेक करना है या लाइट आईसी के पास की सारी चीज़ें चेक करनी है। और इसमें जो लाइट आईसी यूज़ की गई है वो कॉम्बो आईसी है जिसमें लाइट और ग्राफिक के लिए एक ही आईसी यूज़ होती है और कुछ लेटेस्ट आईसी है और इस तरीके का आईसी बहुत कम सेटों में मिलती है आपको। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लाइट आईसी के पास चेक करने के लिए आपको वहाँ पर शील्ड को रिमूव करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो पतरा लगा है वो सीपीयू के जस्ट बाजू में है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कट करना है और पास में सीपीयू होता है। ध्यान रहे क्योंकि हम यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स निकालेंगे और कुछ कंपोनेंट्स भी डालेंगे या ऐसी भी आपको निकालनी पड़ सकती हैं, तो सीपीयू इसमें डैमेज हो जाएगा। और फिर अगर सीपीयू में हीट चले जाती हैं, अंदर से बॉलें निकल जाती हैं, सीपीयू मेल्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपको काम बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कूल टेस्टिंग करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर VPH लाइन जो होती हैं फ्रेंड्स, इसमें आईसी में अगर प्रॉपर ना जाएं तो ये ऐसी काम नहीं करेगी। और सैमसंग के काफ़ी सारे हैंडसेट्स हैं जिसमें प्रॉपर यही प्रॉब्लम आता है। इसमें आपका कॉइल ओपन हो जाता है जो कि पुश कॉइल होता है और लोड कैपेसिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं या लीकेज कंडीशन में चले जाते हैं या फिर आईसी आपकी डैमेज हो जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कॉइल भी ओपन मिला है। यहाँ पर हम स्टेप बाई स्टेप काम करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमने चेकिंग कर ली है। ये प्रॉपर वे होता है चेक करने का, बहुत इजी मेथड होता है। लाइट ग्राफिक आप यूं ही बना लेंगे बहुत ही इजीली। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मोबीकेयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर कॉइल रिमूव कर लेते हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आए बट हमने जो काम किया है स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको डिटेल वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो के, और कैसे हम प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं इस टॉपिक्स पर वीडियोज़ डालेंगे। और लेटेस्ट मॉडल 4G और 5G हैंडसेट ही हम रिपेयर करते हैं जैसे आप देख सकते हैं हमारे सर्विस सेंटर में। और जो ट्रेनिंग हम देते हैं फ्रेंड्स, लाइव ट्रेनिंग होती है, लाइव रिपेयरिंग होती है और 8 घंटा ट्रेनिंग होती है जिसमें थ्योरी और स्कीमेटिक और आईसी डाटा शीट हो या फिर डीप लेवल पे, चिप लेवल पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हैंड स्किल का काम आपको सिखाया जाता है, सीपीयू ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डुअल डेकर सीपीयू आपको बताया जाता है। लाइव क्लास होती है, लाइव काम करके दिखाते हैं और आपके हाथ से हम काम करवाते हैं। सितंबर 20 से हमारा बैच है, नेक्स्ट बैच ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं सर्किट डायग्राम की नॉलेज चाहते हैं, स्कीमेटिक की नॉलेज चाहते हैं और कैसे सेक्शंस काम कर रहे हैं, सीपीयू के एक्टिवेट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पावर एसी कैसे काम करता है, पावर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, डबल पावर ट्रिपल पावर कैसे काम करता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉइल हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम दूसरा कॉइल डालेंगे और दूसरा कॉइल चेक करके हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दूसरा कॉइल हम यहाँ पे अभी डालेंगे, तो ये हमारा कॉइल ओके है, सही है। तो अब हम इसको डाल देंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको काम करके दिखा रहे हैं। आपको सारी चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए, अगर प्रॉपर नॉलेज है तभी आप काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ आपके पास हैंड स्किल की भी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा खासा हैंड स्किल होना चाहिए क्योंकि सीपीयू बिल्कुल पास में होता है, तो ध्यान रख के आपको काम करना होता है क्योंकि इस हैंडसेट्स में सीपीयू अक्सर डैमेज हो जाता है, लीकेज हो जाता है, फिर आपको सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। मतलब काम आपका बढ़ जाएगा, काम तो हो जाएगा बट आपको सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो कितनी हीट रखनी चाहिए, एयर रखनी चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। और आप किन टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। और शॉर्ट वीडियोज़ में जाकर देखिए, हम डेली जो लाइव वर्क करते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन होता है, कम समय में एक मिनट के अंदर आपको सोल्यूशन मिलता है। हर रोज़ यहाँ पे हम वीडियोस डालते हैं और उसके थ्रू आपके पास भी अगर सेम हैंडसेट आता है तो सेम चेकिंग आप कर सकते हैं, सेम वर्क उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वापस से चेक करते हुए, तो हमारा जो प्रॉब्लम था जो हमने मल्टीमीटर से देख लिया है सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। तो PCB में हम फोल्डर में फिट करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शील्ड वगैरह बहुत एहतियात से आपको निकालनी है क्योंकि आसपास के अगर कॉम्पोनेंट्स कुछ डैमेज हो जाते हैं तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा। तो चलिए फोल्डर में हम PCB को फिट कर लेते हैं और फिट करके चेक करते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए फोल्डर में फिट कर लेते हैं।
दोस्तों मोबीगर सॉल्यूशंस में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा में मिलेगी जो कि लाइव आप काम देखेंगे अगर ऑफलाइन आते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आपको सर्किट की डीप लेवल नॉलेज मिलेगी, स्केमेटिक की बहुत डीप लेवल नॉलेज मिलेगी। इसके बाद आपको कहीं जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप दूर जा रहे हो, अदर सिटी जा रहे हो, रहने खाने की प्रॉब्लम हो रही है, खाना वहाँ का नहीं जम पा रहा है, आपका काम ख़राब हो रहा है, दिन भर का काम का भी आपका पैसा जा रहा है, आप फ्लाइट से आ रहे हो उसका भी पैसा जा रहा है, रूम के लिए और फूड के लिए जो पैसा दे रहे हो वो भी जा रहा है। इसीलिए मोबीगर सॉल्यूशंस आपके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइट और ग्राफिक हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और काफ़ी दिनों से हैंडसेट बंद है ये, तो मतलब चार्जिंग पूरी लो हो चुकी है इसकी। दो सेकेंड के लिए हम यहाँ पर चार्जर लगा कर रखते हैं और जैसे ही यहाँ पर कुछ परसेंटेज शो करता है उसके बाद हम आपको हैंडसेट ऑन करके भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की। अगर आप रात में 9:30 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा अगर आप देते हैं ऑनलाइन स्केमेटिक के लिए तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। फ्रेंड्स लाइव क्लास होती है फेरोज सर की, जिसमें 2 घंटा जूम मीटिंग के थ्रू लाइव आपको सर्किट डायग्राम बताया जाता है, 4G और 5G हैंडसेट पर सारा काम आपको बताया जाता है, कैसे वहाँ पर पावर AC काम कर रही है, कैसे CPU वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड 0% चार्ज है यहाँ पर, मतलब फ्रेंड बैटरी पूरी लो थी इसकी, इसीलिए चार्जिंग लोगों पर ये काफ़ी देर से स्टक था। यहाँ पे बैटरी जैसे ही बूस्ट हो जाती है, चलिए हम एक बार ऑन कर लेते हैं, क्योंकि 0% पे भी आप हैंडसेट को सैमसंग के ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑन करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 20 सितंबर से हमारा नेक्स्ट बैच है और बहुत ही कम फीस रखी गई है। व्हाट्सअप करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा, PDF फाइल मिलेगी, आप देखिए हम क्या क्या उसमें आपको सिखाएंगे। और अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है, काम वापस जा रहा है या किसी और दुकानदार के पास अगर आप काम लेकर जा रहे हो तो ज़रूर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सअप का साल भर का सपोर्ट मिलेगा आपको और लाइव सपोर्ट मिलेगा आपको, 100% सोल्यूशन उसमें मिलने वाला है। फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं हैंडसेट हमारा यहाँ पे ऑन होते हुए, मतलब फ्रेंड्स हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है और हमारा हैंडसेट ये पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। जो ग्राफिक लाइट का प्रॉब्लम है बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको जो ट्रेनिंग हम देते हैं 100% एश्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ आपको सिखाते हैं, दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 100% आप सीख सकते हैं काम, सीख कर अगर आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं तब भी हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। अभी 20 सितंबर में लाइव क्लासेस होगी, देख सकते हैं हैंडसेट हमारा पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और बहुत ही जल्द फुल सॉल्यूशंस की वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।